हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स बुक से अ हाउस इज नॉट अ होम के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसको जॉन गोडियोसो ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून। एक रविवार को दोपहर में जो ऑथर है उसने क्या नोटिस किया है। व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन, उनकी मम्मी का रिएक्शन क्या है। What does she do? तब उनकी मम्मी ने उस समय क्या किया है। तो देखिए क्या होता है कि एक संडे आफ्टरनून को आथर जब घर में रहते हैं तो देखते हैं कि उनके छत से धुआं जो है ना वो आ रहा है और धीरे धीरे धुआं जो है उनके कमरे में भरने लगता है। तब आथर और उसकी मम्मी घर से बाहर चले जाते हैं ताकि वो लोग आग से बच जाएँ। लेकिन उसके बाद उनकी मम्मी जो है वापस आ जाती हैं और एक मेटल बॉक्स में जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको लेके वो बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने के बाद फिर से वो घर की तरफ दौड़ती हैं ताकि उसके पापा के जो फोटोग्राफ्स हैं और बाकी जो मेमोरीज हैं उसको वो बचा सकें। तो इसको आंसर में लिखेंगे द ऑथर सा स्मोक कमिंग थ्रू द सीलिंग, कि जो लेखक हैं उन्होंने देखा था कि धुआँ जो है वो सीलिंग से आ रहा था। हिज मदर्स रिएक्शन वॉज टू रन इन टू द हाउस एंड रेस्क्यू द मेटल बॉक्स विद इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। उनकी मम्मी का रिएक्शन था कि वो घर की तरफ दौड़ी थी और उन्होंने एक मेटल बॉक्स को रेस्क्यू किया था जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। सी रश्ड बैक टू द हाउस टू सेव हिज फादर्स मेमोरी। उसके बाद वो फिर से घर की तरफ दौड़ी थी ताकि उसके पापा की मेमोरीज को वो बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। आग के बाद वो हताश होकर आंसू में क्यों डूब जाते हैं। आग के बाद उनकी प्यारी बिल्ली आसपास कहीं नहीं थी और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसी कारण वो हताश होकर आंसू में डूब गए थे। इसी को हमको आंसर में लिखना है, आफ्टर द फायर हिज कैट वाज नोवेयर टू बी फाउंड। आग के बाद उनकी बिल्ली कहीं भी नहीं मिल रही थी। ही लव्ड हर डियरली, उसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। देयरफोर ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, इसी कारण वो हताश होकर आंसू में डूब गए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज द ऑथर डीपली एम्बैरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल। अगले दिन स्कूल में जो ऑथर हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा क्यों महसूस करते हैं। विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी, कौन से ऐसे शब्द हैं जो उनके डर को और असुरक्षा की भावना को बताते हैं। तो देखिए जब अगले दिन जो ऑथर हैं वो स्कूल जाते हैं तब वो पाते हैं कि उनके पास न तो सही ढंग का कपड़ा है, न ही किताबें हैं, नहीं बाकी जो सामान होता है जैसे कि स्कूल का बैग है ऐसा कुछ है। तो स्कूल जाने पे वो एलियन टाइप का महसूस करते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा उनको शर्मिंदा लगता है। तो इसी को हम लोग आंसर में लिखेंगे द ऑथर डीपली एम्बैरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल बिकॉज ही डिडंट हैव प्रॉपर ड्रेस स्टडी मटेरियल एंड बैकपैक। जो वर्ड्स उनके फियर और इनसिक्योरिटी को बताते हैं वे हैं कर्ल अप एंड डाई। तो देखिए कर्ल अप एंड डाई का मतलब होता है टू फील वेरी अशेम्ड एंड सॉरी, बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करना और अंदर से सॉरी को फील करना। तो इसी को इसके आंसर में लिखेंगे द वर्ड्स जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई सो हीज फियर एंड इनसिक्योरिटी। ये जो वर्ड्स हैं जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई ये उनके डर को और इनसिक्योरिटी को यहाँ पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द केट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। जो बिल्ली थी और जो लेखक थे वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी, ये जो है वो स्टोरी में किस प्रकार से दिखाया गया है। वेयर वॉज द केट आफ्टर द फायर, बिल्ली आग के बाद कहाँ पे थी।
ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ, कौन इसको वापस लाया और कैसे। बिल्ली जो है वो हमेशा आथर के पास बैठी रहती थी और बिल्ली के कोने पे आथर सिसकते हैं और रोते हैं। आग के कारण बिल्ली डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। एक महिला जो है बिल्ली को पाती है और लेखक को खोजती है और वापस बिल्ली को लेखक के पास लाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, दिस इज सीन इन आथर्स वीपिंग एंड क्राइंग। आफ्टर द फायर द केट वॉज टेरिफाइड एंड रन अवे। अ वुमेन फाउंड द केट एंड ब्रॉट इट बैक टू द आथर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज द आथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्ट हिम इमोशनली। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो नए स्कूल में आथर के नए स्कूलमेट्स थे उनका कौन सा जो एक्शन है या व्यवहार है वो आथर की समझ जीवन और लोगों के प्रति बदल देता है और उनको भावनात्मक तौर पे शांत करता है। हाउ डज हिज लोनलीनेस बेनिस एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। उनका जो अकेलापन है वो कैसे ख़त्म होता है और वो कैसे फिर से जीवन में भाग लेना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है, उनके जो स्कूलमेट्स होते हैं वो ढेर सारा गिफ्ट्स जो है उनके लिए लाते हैं और आकर उनसे उनका परिचय और हालचाल पूछते हैं, जिससे आथर को काफ़ी अच्छा लगता है और उनका अकेलापन दूर हो जाता है क्योंकि नए दोस्त उनको वहाँ पर मिल जाते हैं। इसको वो आंसर में लिखेंगे, द स्कूलमेट्स कलेक्टेड गिफ्ट्स फॉर हिम। जो स्कूलमेट्स थे उनके उन्होंने उनके लिए गिफ्ट कलेक्ट किया था। दे मेट हिम एंड शोड कंसर्न, वो उनसे मिले थे और अपनी चिंता को बताए थे। इट वॉज अ मैटर ऑफ सरप्राइज एंड ही गॉट इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ये उनके लिए आश्चर्य का विषय था और उनको काफ़ी ज़्यादा मानसिक शांति वहाँ पर मिला था। ही गॉट न्यू फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड इन्जॉइंग लाइफ अगेन। उनको नए दोस्त मिले थे और उन्होंने जीवन को एंजॉय करना फिर से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माय कैट वाज बैक एंड सो वाज आई। इसका क्या मतलब है कि मेरी बिल्ली वापस आ चुकी थी और मैं भी वापस आ चुका था। हैड द आथर गॉन एनीवेयर, क्या आथर जो हैं कहीं गए थे। व्हाई डज ही से दैट ही इज आल्सो बैक, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वे भी वापस आ चुके हैं। तो देखिए आथर का यहाँ पे कहना है कि उनकी बिल्ली वापस आ चुकी थी जिससे उनको ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ मिल चुकी थी। इस कारण से वो भी वापस आ चुके थे क्योंकि उन्होंने जीवन को फिर से जीना शुरू कर दिया था। आथर कहीं नहीं गए थे, उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने एक नया ज़िंदगी शुरू कर दिया था। इसी को वो आंसर में लिखेंगे, इट मीन्स दैट ही हैड फाउंड हिज कैट एंड ही हिमसेल्फ हैड अ न्यू आउटलुक ऑन लाइफ। इसका मतलब यह है कि उनको उनकी प्यारी बिल्ली मिल चुकी थी और उनका जीवन का प्रति नज़रिया भी वो खुद बदल चुके थे। नो आथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर, नहीं आथर कहीं नहीं गए थे। ही सेड दैट ही वॉज आल्सो बैक बिकॉज ही वॉज हैप्पी अगेन इन हीज लाइफ। उन्होंने ऐसा कहा था कि वो भी वापस आ चुके थे क्योंकि वे अपने ज़िंदगी में फिर से खुश थे। अब आप लोगों के लिए एक MCQ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू ब्लो आउट द फायर। आग को फैलने में कितना समय लगा। ए 2 आवर्स, बी 3 आवर्स, सी 4 आवर्स और डी 5 आवर्स। तो आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।